नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप जांगीर। सामे ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे अपनी पिछली वाली क्लास में जो बात चल रही थी, अपन साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, और अपने पिछले वाले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बताया, अपन ने उत्पत्ति के बारे में भी बात कर चुके थे अपन, और इसके बाद अपन मनोविज्ञान के जो जनक है, जिसके अरस्तु है, उसके बारे में बात कर चुके थे कि अरस्तु को किस प्रकार से जनक बताया गया है, और जो है प्लेटो को भी किस आधार पर जनक मानते हैं, और विलियम बुल्टी की अपन बात चल रही थी। आत्मा के विज्ञान को मैं बता चुके थे कि आत्मा के विज्ञान को क्यों खारिज किया था, क्योंकि आत्मा का कोई रूप नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, कोई विश्वसनीयता नहीं होती। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने आत्मा के विज्ञान को भी खारिज कर दिया था। उसके बाद अपन ने मन और मस्तिष्क की बात की थी। मन और मस्तिष्क को भी यही ज्यादा प्रॉब्लम आई, और पोम्पोलॉजी के कथन को भी नकार दिया और मना कर दिया। उसके बाद जो विलियम वुंट आए, विलियम वुंट ने चेतना के आधार पर मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी। तो अपन बात कर रहे थे विलियम वुंट की। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर की अपन बात कर रहे थे, अपना टॉपिक जो है उसका नाम है मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान का इतिहास, या मनोविज्ञान की उत्पत्ति बोल रहे हैं अपन। ठीक है दोस्तों, ये सब चीजें अपनी चल रही थी। अब बात करते हैं अपन दोस्तों आगे की। तीसरे नंबर की अपन बात चल रही थी, सी नंबर पे अपना चल रहा था कौन सा, चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान की बात चल रही थी दोस्तों, और मैंने बताया था आपको इसके समर्थनकर्ता कौन थे दोस्तों, विलियम वुंट। विलियम वुंट इसमें ही नाम आते हैं दोस्तों, विलियम जेम्स का भी नाम आता है, विलियम जेम्स, इन दोनों की अपनी बात चल रही थी। इन्होंने ये बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, यानी कि जो बालक जो होता है, वो सोचता है किस प्रकार से, यानी कि चेतना के माध्यम से सोचता है। मैंने पिछले वाली क्लास में भी आपको बताया था, चेतना जो है वो एक मन और मस्तिष्क का ही भाग है। किसका भाग है दोस्तों, मन और मस्तिष्क का भाग है। एक तरह से बोल सकते हैं आंतरिक भाग। क्या भाग है, आंतरिक भाग। यानी कि विलियम वुंट का यह मानना था कि जो चेतना होती है वो आंतरिक भाग होती है, यानी कि जो भी बालक क्रिया करेगा वो आंतरिक रूप से क्रिया करेगा, लेकिन ये नहीं बता पाए कि वो बाह्य रूप से क्रिया करेगा, क्योंकि जो बालक क्रिया करता है वो आंतरिक रूप से भी क्रिया करता है और बाह्य रूप से भी क्रिया करता है। यानी कि उसके व्यवहार में कोई वैधता, कोई प्रकार, कोई विश्वसनीयता। देखो, किसी भी चीज को सेटिस्फाई करने के लिए या पूरा सा राइट करने के लिए उसको क्या कितनी चीजें होना जरूरी है, या तो वैध होना चाहिए, या विश्वसनीयता होनी चाहिए, या उसमें थोड़ा सा विश्व उत्पत्ति के बारे में विश्वसनीयता ज्यादा नजर आनी चाहिए। जैसे अपन प्रकार की बात करें यहाँ पर, कि इसके प्रकार को दर्शा पाया था चेतना के रूप स्थिति को बता पाया था, ये क्या वैध या विश्वसनीयता को बता पाया था इसमें। या फिर मूर्त चिंतन को समझा पाया था। ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है दोस्तों, किसी भी चीज को वैज्ञानिक तरीके से देखने के लिए, क्योंकि जो बालक होता है, जैसे कोई बालक है वो क्रिया करेगा दोस्तों, क्रिया करेगा, आंतरिक क्रिया करी। आंतरिक क्रिया का मतलब जैसे मैंने बताया आपको, जैसे चिंतन करना, मनन करना, सोच विचार करना, ये सब आंतरिक क्रिया होती है। बाह्य क्रिया का मतलब जैसे चलना, लिखना, दौड़ना, कूदना, ये सब क्रिया हो जाएगी बाह्य क्रिया। लेकिन विलियम वुंट चेतना के माध्यम से, जो कि मन मस्तिष्क का आंतरिक भाग होता है, क्योंकि दोस्तों विलियम वुंट ने अंतर्दर्शन विधि में सबसे ज्यादा प्रयोग किए थे। कौन सी विधि में दोस्तों, अंतर्दर्शन विधि में, अंतर्दर्शन विधि में। अंतर्दर्शन विधि की बात करें दोस्तों, तो ये आंतरिक क्रिया के, यानी कि बालक के आंतरिक भाग का निष्कर्ष करती है, आंतरिक भाग की जांच करती है। विलियम वुंट के अनुसार, विलियम वुंट ने और अपने शिष्य ईवी टिचनर के साथ मिलकर इसका अध्ययन किया था आंतरिक, इसी के आधार पर इन्होंने
चेतना का विज्ञान दिया था। और अध्ययन करने के लिए दोस्तों लिप्जिंग सर में, मैंने आपको बताया था लिप्जिंग सर में एक प्रयोगशाला का गठन किया था, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इसका गठन किया गया था। विलियम वुड ने यह सब चीजें बताई। इसके बाद दोस्तों आता है विलियम जेम्स कहाँ का था। विलियम वुड की बात करें तो ये दोस्तों ये कहाँ का था, जर्मनी का था। कहाँ का था दोस्तों, जर्मनी का। और विलियम जेम्स कहाँ के थे, अमेरिका के। इनका मानना यही था कि जो बालक, जो मनोविज्ञान है वो कौन सा व्यवहार है, वह कौन सा विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है। विलियम जेम्स ने ये बताया। विलियम, सबसे पहले विलियम जेम्स की बात करते हैं। विलियम जेम्स कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के निवासी थे। और अमेरिका में ही सर्वाधिक प्रयोग किए थे विलियम जेम्स ने किसके, मनोवैज्ञानिक थे। तो अमेरिका मनोवैज्ञानिक, यानी कि जो अमेरिका है वो वहाँ के मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं, विलियम जेम्स को मानते हैं। यानी कि विलियम जेम्स कौन हो जाएंगे, अमेरिका, मनोविज्ञान का जनक। अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, विलियम जेम्स है। क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किए थे अमेरिका में, इसीलिए अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, विलियम जेम्स कहलाते हैं। इन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का, 1890 में गठन किया था। और उसी में बताया था कि जो बालक सोचता है वो चेतना के माध्यम से सोचता है। ये सब चीजें दोस्तों विलियम वुड और विलियम जेम्स और ईबी टेस्लर के माध्यम से होती। लेकिन ये सब जितने भी इनके कथन थे, सबसे आंतरिक भाग का निर्धारण होता, निष्कर्ष हो रहा था, सब कोई भी बाह्य रूप से इसका विवेचन नहीं कर पा रहा था। बाह्य रूप से इसका ढंग बालक की क्रिया नहीं बता पा रहे थे। इसीलिए ही इसका भी 20वीं सदी के या 19वीं सदी के लास्ट अंत तक इसका भी विरोध होने लगा। और वाटसन ने इसका सर्वाधिक विरोध किया। और वाटसन ने फिर अलग से व्यवहार का विज्ञान का विवेचन किया, और व्यवहार के विज्ञान को बताया कि जो बालक होते हैं, जो क्रिया होती है, वो व्यवहार के विज्ञान से बताया जा सकता है। एक बालक को समझने के लिए व्यवहार होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये होती है विलियम वुड और विलियम जेम्स की बात और चेतना की बात। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा तो दोस्तों ये बात होती है दोस्तों अपनी मनोविज्ञान की, चेतना की, विज्ञान की बात। एक पुस्तक का नाम लिख लीजिए आप, 1890 में, संत 1890, विलियम जेम्स ने, विलियम जेम्स इनकी पुस्तक थी दोस्तों, पुस्तक, पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। इस पुस्तक में दोस्तों आदत और आत्मसम प्रत्यय, आदत एंड आत्मसम प्रत्यय के बारे में विचार दिया। किसकी पुस्तक थी दोस्तों, ये विलियम जेम्स की पुस्तक थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। कब लिखी गई थी दोस्तों, ये 1890 में, 1879 में दोस्तों। विलियम वुड ने जैसे ही जर्मनी में अपनी विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में जैसे ही उन्होंने प्रयोगशाला का गठन किया, उसके बाद से विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, उसका गठन किया। और इसमें आदत और संप्रत्यय, जब अपन आदत और संप्रत्यय पढ़ेंगे, आपके आत्म संप्रत्यय सिलेबस में नहीं है, आदत है, आदत को अपन पढ़ेंगे, वहां पर भी अपन विलियम जेम्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब लिख लीजिए आप, इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे अभी। अब दोस्तों आती है नेक्स्ट लास्ट, यानी कि फोर्थ नंबर पे, यानी डी, व्यवहार के विज्ञान।
का विज्ञान। कब तक था ये? 20वीं सदी से अब तक, कब से लेके 20 सदी से अब तक चल रहा है। और इसके जॉन ब्राड वाटसन समर्थन करता कौन थे? जॉन ब्राड वाटसन। इसके बाद बहुत सारे आए, जैसे कि आप लिख सकते हैं पावलो भी थे, स्किनर थे, सीएल हल थे, इसके बाद थॉर्नडाइक भी थे, मैकडूगल भी थे, इसके बाद अपन बात करें समस्त व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किसने दिया था दोस्तों? जॉन ब्राड वाटसन ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1912 में दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1912 में। किसने दिया था दोस्तों? जॉन ब्राड वाटसन ने दिया था। अब देखो इनके अनुसार जो है बालक, जो है बालक की क्रिया, जैसे मैं आपको बताऊं ये बालक है कोई, ये बालक है दोस्तों, ये बालक है, ठीक है, ये इसका दिमाग है, जो अपन इसकी बात कर चुके हैं। अब ये बालक कोई क्रिया करेगा, इसने कोई क्रिया की, क्रिया करेगा दोस्तों, तो वो कितने प्रकार से क्रिया करेगा? या तो आंतरिक रूप से क्रिया करेगा या फिर बाह्य रूप से क्रिया करेगा। दो प्रकार से क्रिया करेगा। आंतरिक रूप से मैं आपको बता चुका हूं, आंतरिक रूप से जैसे सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ये सब चीजें एक ही है, ये सब चीजें एक ही है, लेकिन आंतरिक बात से पता नहीं चलता कि बालक क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, ये सब चीजें अपन क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन बाह्य रूप को अपन क्लियर कर सकते हैं। बाह्य रूप में जैसे चलना, दौड़ना, खाना खाना, ये सब चीजें वगैरह वगैरह, ये सब चीजें कौन सी होती है दोस्तों? बाह्य रूप से। तो जॉन ब्राड वाटसन का जो इन्होंने भई दर्शन का कौन सा दिया था दोस्तों? भई दर्शन का इन्होंने विधि भी बताई थी, भई दर्शन, और उसमें बताया था कि जो बालक सोचता है यानी कि भई दर्शन से सोचता है, उसके व्यवहार की जो वेद्य और विश्वसनीयता और जो प्रकार है वो अपन दर्शा सकते हैं कौन से दोस्तों? बाह्य रूप से। क्योंकि आंतरिक रूप से तो सब कुछ पहले हो चुका था कि बालक जो सोचता है वो सोचना, चिंतन करना, मनन करना, लेकिन उसके व्यवहार से यानी कि बालक के व्यवहार से ही पता लग जाता है कि बालक किस तरह का है, आगे जाकर बालक का फ्यूचर क्या होगा, बालक क्या क्रिया करने लगेगा, या बालक के साथ स्थिति कैसी है, प्रकार कैसी है, और उसका चिंतन किस प्रकार का है, मूर्त चिंतन है या अमूर्त चिंतन है, ये बालक के व्यवहार से अपन दर्शा सकते हैं। बालक के व्यवहार को अपन एक वीडियो अकॉर्डिंग करके या फिर उसकी रिकॉर्ड करके भी बता सकते हैं। जैसे बालक, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कोई एक बालक अकेला है और गुप्त रूप से अगर उसकी अपन विवेचना करें, जैसे अपन बताएं नहीं कि उसकी किस तरह से वो कार्य कर रहा है और अपन उसको एक तरह से देखते रहे, तो अपन उस तरह के बालक को व्यवहार को देख के, जैसे आप किसी को भी व्यवहार को देख के बता सकते हैं कि यार ये किस तरह का बालक है। जैसे कोई बालक अगर थोड़ा सा मंद बुद्धि बालक है तो वो अगर उसकी क्रियाएं करेगा तो उसकी क्रियाओं से, सोचने से या मनन करने से या उसके बात करने से या फिर भौतिक की क्रियाएं करने से भी अपन उसको पता लगा सकते हैं। जैसे भौतिक क्रिया करने से, कौन सी क्रिया करने से दोस्तों? भौतिक क्रिया से, चिंतन से। चिंतन में अब दोनों दोस्तों यहां पर मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, लेकिन अभी तक जो भी बात हो रही थी दोस्तों अपने अमूर्त चिंतन की हो रही थी, अब यहां पर मूर्त चिंतन भी आ जाएगा, क्योंकि मूर्त जो चिंतन होता है वो बाह्य रूप को दर्शाता है, यानी कि बालक के बाह्य रूप के व्यवहार को दर्शाने पर भी वो मूर्त चिंतन कहलाता है। अब दोस्तों जैसे अब किसी बालक का आपको व्यवहार के जानना है तो बालक को एक आप गुप्त रूप से देख लीजिए और बालक के नेचर को देखने लग जाइए, तो आप उसके बालक के व्यवहार को बता सकते हैं कि किस तरह का ये बालक है। ये सब चीजें दोस्तों जॉन ब्राड वाटसन ने अपनी विधि जो उसने दी थी व्यवहारवाद में भी बताया था, और उसने अपने भई दर्शन विधि में भी ये सब चीजें बताई है उसने, जो कब लिखे थे व्यवहारवाद, कब दिया था इसने? 1912 या 13 में दिया था।
व्यवहार का विज्ञान 20 शताब्दी से अब तक चल रहा है, यानी कि अभी तक इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। सभी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक से सेटिस्फाई है और सभी मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि जो साइकोलॉजी पढ़ा जा रहा है वो किससे पढ़ा जा रहा है, व्यवहार के विज्ञान से पढ़ा जा रहा है। ये बात होती है दोस्तों 20वीं शताब्दी की बात है और अभी तक चल रही है व्यवहार के विज्ञान। आपको समझ में आ गया कि बालक जो होता है, जैसे बालक है, अब इसको कोई क्रिया करनी होगी या तो आंतरिक करेगा या बाह्य रूप से क्रिया करेगा। सोचना, चिंतन करना, मनन करना, चलना, दौड़ना, ये सब आंतरिक और बाह्य क्रियाएं हैं, लेकिन उसके व्यवहार से ही पता लगाया जा सकता है कि ये बालक किस तरह का बालक है। तो ये सब चीजें दोस्तों मनोवैज्ञानिक ने पढ़ी और अपनी किस जो जो भी जॉन वाटसन वाटसन ने बोला और इसके जो समर्थन करता थे पाउलो स्किनर, सीएल हल, थॉर्नडाइक, मैकडूगल और समस्त व्यवहारवाद, इनके समर्थन को देखते हुए किसी ने विरोध नहीं किया और सभी सेटिस्फाई हुए और व्यवहार के विज्ञान को मान लिया गया जो अभी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात हुई अपन ने अभी तक की, कितनी बात हुई, जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया था उत्पत्ति के समय जो मनोविज्ञान की जो विकास था कि चार भागों में विकास बांटा गया। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला गया था, फिर उसके बाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, और उसके बाद जो लास्ट में व्यवहार के विज्ञान को अपनाया गया। ये सब चीजें मैंने आपको समझा, आपको जरूर समझ में आया होगा कि आत्मा के विज्ञान को क्यों खारिज किया गया, उसके बाद मन मस्तिष्क के विज्ञान को भी क्यों खारिज किया गया, उसके बाद लास्ट में जो व्यवहार के विज्ञान को अपनाया वो किस तरह से अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पढ़ेंगे आगे। ठीक है दोस्तों, मिटा देते हैं। अब कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं वो बातें देख लेते हैं कि जैसे जनक वगैरह के मैंने आपको बता दिया कि कहाँ के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन कौन से, आपको इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए अब बिल्कुल भी। दोस्तों देखो, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई ना, एक पेड़ की तरह है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जमीन का भाग है, ठीक है, ये जड़ें निकली हुई है पेड़ की। तो सबसे पहले जैसे इसमें बीज हुआ और जड़ें निकलना शुरू हुई, तो ये जो जड़ें हैं ना ये दोस्तों, तो ये किसका कार्य करेगी, दर्शन शास्त्र का। यानी कि सबसे पहले किसको अपनाया, दर्शन शास्त्र को। तो मनोविज्ञान की जननी कौन है दोस्तों, दर्शन शास्त्र। जननी कौन हुई, दर्शन शास्त्र। इसके बाद दोस्तों पेड़ कुछ बड़ा हुआ, ठीक है दोस्तों, इस तरह से बड़ा होगा और ये भाग, इसका जो पहला वाला भाग आएगा वो किस में बताया, आत्मा का विज्ञान बताया, आत्मा का विज्ञान बताया। इसके बाद दोस्तों इसमें शाखाएं निकलेगी और बड़ा पेड़ निकलता जाएगा और ये कुछ शाखाएं निकलेगी, फल वगैरह आएंगे। इस प्रकार इसमें चार भाग आएंगे। फिर सेकंड जो माना वो मन और मस्तिष्क का भाग माना, मन और मस्तिष्क का भाग माना। फिर थोड़ा और विकास होगा दोस्तों इसमें, और ये तीसरा भाग क्या मान लिया दोस्तों, चेतना का विकास मान लिया, चेतना का विज्ञान। इसके बाद थोड़ा और विकास हुआ पेड़ का, तो ये क्या मान लिया, व्यवहार का विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो ये शुरू हुआ दर्शन शास्त्र से और कहां पर आके रुका, व्यवहार के विज्ञान में। यानी कि दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान के रूप में पढ़ा जा रहा है, किसके रूप में, व्यवहार के विज्ञान के रूप में। आया होगा दोस्तों समझ में, दर्शन शास्त्र जननी बात आया, यानी कि जननी क्यों है दर्शन शास्त्र, इसी को आगे इससे अलग हुआ था जो मनोविज्ञान कहला है, और मनोविज्ञान जो अभी पढ़ा जा रहा है वो कौन सा मनोविज्ञान पढ़ा जा रहा है दोस्तों, व्यवहार का विज्ञान पढ़ा जा रहा है। अब जो दोस्तों कुछ बातें हैं, देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे विलियम वुंट है, कौन मनोवैज्ञानिक, विलियम वुंट, विलियम वुंट के सहयोग से, विलियम वुंट के सहयोग से एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेंचनर। क्या नाम था दोस्तों, फ्रेंचनर। फ्रेंचनर ने मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट के सहयोग से, दोनों ने साथ मिलकर के काम किया था और दर्शन शास्त्र से अलग किया था और इसका वास्तविक प्रमाण दिया था दोस्तों, इसने दिया था, फ्रेंचनर ने। कई बार विलियम बुंट का नाम भी आता है तो ये भी सही है और फ्रेंचनर भी सही है, लेकिन ज्यादा योगदान दोस्तों किसका था, फ्रेंचनर का था। तो इसने वास्तविक रूप से
मनोविज्ञान को अलग किया, यानी कि स्वतंत्र मनोवैज्ञानिक कहलाया। यानी कि जो अलग किया था दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से अलग किया। और स्वतंत्र और मनोविज्ञान को स्वतंत्र मनोविज्ञान कहा। यानी कि दोस्तों इससे पहले क्या है पढ़ा जा रहा था, ये बात दोस्तों 1850 के समतम भी, लगभग 1850 के लमसम की बात है दोस्तों ये। और विलियम वुंड के सहयोग से फ्रेंचर ने ये कार्य किया, कुल मिला के उसको अलग कर लिया दर्शन शास्त्र से और पूरे तथ्य के साथ अलग लिख दिया और स्वतंत्र कर दिया बिल्कुल मनोविज्ञान को। जैसे मैंने आपको पहले इतिहास में भी बताया होगा कि स्वतंत्र जैसे राजा होते थे पहले किसी के यहाँ काम करते थे, लेकिन हाँ ये राजा थे, इनका एक वंश है, लेकिन स्वतंत्र राजधानी नहीं बनाई थी उधर। इसी तरह यहाँ पर भी है कि हाँ स्वतंत्र नहीं हुआ था, मनोवैज्ञानिक में तो पढ़ा जा रहा था लेकिन पूर्ण रूप से दर्शन से स्वतंत्र नहीं हुआ था, बता दिया था मनोवैज्ञानिक ने कि हाँ ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक है, दर्शन शास्त्र से अलग है। लेकिन ये कार्य किसने किया था दोस्तों, फ्रेंच ने किया था और मनोविज्ञान को स्वतंत्र मनोविज्ञान कहा। यानी कि वास्तविक मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों, फ्रेंच ने। कौन है दोस्तों वास्तविक मनोविज्ञान किसने कहा, फ्रेंच ने कहा, और मनोविज्ञान को वास्तविक मनोविज्ञान के रूप में पढ़ा जाने लगा। ये बात हुई दोस्तों किसी विले मूल की बात। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दे दोस्तों, देखो दोस्तों अब एक मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, आपके कहीं एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि मनोविज्ञान कौन सा विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है या मन मस्तिष्क का विज्ञान है। जैसे मैंने इसकी उत्पत्ति बताई थी, ये मैं साइकोलॉजी लिखता हूँ, साइकोलॉजी ठीक है। इसकी उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के, कितने शब्दों से हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी दो शब्दों से, यानी कि साइकी और ये दूसरी लॉगस, ठीक है। साइकी का अर्थ यहां था आत्मा और यहां पर है अध्ययन। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि साइकी का अर्थ क्या है तो आत्मा आएगा, लोगस का अर्थ क्या है तो ये क्या आएगा, अध्ययन आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों ये आता है पोम्पोलॉजी ने, कौन था दोस्तों, पोम्पोलॉजी, पोम्पोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि पोम्पोलॉजी के अनुसार साइकी का अर्थ क्या है और लोगस का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जैसे ऑब्जेक्टिव में अगर लिखता हूं ये कि पहला जाएगा आत्मा, दूसरा जाएगा मन, थर्ड नंबर पे अपन लिख दे दोनों, और फोर्थ नंबर पे कोई नहीं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों अगर सिंपली आपसे पूछ ले जाए मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान है मनोविज्ञान है, तो वो आएगा साइकी का अर्थ क्या जाएगा, आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या जाएगा, अध्ययन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पोम्पोलॉजी के अनुसार मनोविज्ञान है, तो दोस्तों आपको पता होगा पोम्पोलॉजी के अनुसार मन और मस्तिष्क भी है, आत्मा का अध्ययन तो यही है मनोविज्ञान, और यहाँ पर राइट जो आंसर होगा दोस्तों दोनों आएगा, क्योंकि दोनों आंसर राइट माने, क्योंकि पोम्पोलॉजी के अनुसार जो है साइकी का अर्थ क्या बताया गया है, मन बताया गया है, ठीक है दोस्तों। इसको सेटिस्फाई कर रहे थे मन और आत्मा से और दोनों यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जितने भी आपके साइकोलॉजी में क्वेश्चन आएंगे सब व्यवहार से संबंधित आएंगे, आपको सिर्फ शब्दों का ही खेल है यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। जितने भी पढ़ाएंगे यहाँ पर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार वही पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चन है, देखो इधर
अब चारों व्यवहार के अध्ययन के पढ़ने के बाद भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि क्वेश्चन क्या है। देखो, मनोविज्ञान अध्ययन करता है, अध्ययन करता है। मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं दोस्तों। पहला ऑप्शन लिखता हूं मानव का, बी पशु का, सी पक्षियों का, या फिर डी कोई नहीं, या फिर ऑल सभी। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपके चार जो विकास बताए हैं मनोविज्ञान के, उनके आधार पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन ये है कि मनोविज्ञान अध्ययन करता है, यानी कि साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का अध्ययन होता है, या फिर पशुओं का अध्ययन होता है, पक्षियों का अध्ययन होता है, या सभी का अध्ययन होता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि इन तीनों में से आंसर कौन सा होगा। देखो, अब समझो, पहले आप जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि आंसर ही होगा, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि इसका आंसर क्या होगा। अभी तक अपन ने ये पढ़ा है कि व्यवहार का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और मन मस्तिष्क का विज्ञान, इसके आधार पर ही आप ये व्यवहार के विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है और मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि अभी तक मनोविज्ञान किसका अध्ययन कर सकता है। यानी कि मैंने बताया आपको कि बाह्य चिंतन और आंतरिक चिंतन, इन दोनों प्रकार के चिंतनों के माध्यम से व्यवहार बताया जाता है बालक का, और इसी के आधार पर इसकी स्थिति और प्रकार को बताया जा सकता है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मानव का अध्ययन करता है? जी हाँ, जरूर कर सकता है। मानव का अध्ययन क्यों नहीं करता? मानव दो प्रकार से क्रिया करता है, आंतरिक क्रिया और बाह्य क्रिया। पशुओं का अध्ययन करता है? दोस्तों जरूर करता है पशुओं का। क्या पशु बाह्य क्रिया नहीं करते? बाह्य क्रिया देख के पशुओं के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती? मिल सकती है। पक्षियों का अंदर कर सकता है? जब पशुओं का कर रहा है तो पक्षियों का क्यों नहीं कर सकता? तो ऑलमोस्ट इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सभी होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर अगर आपके सामने ये लिख देता हूं कि मानव व्यवहार, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान कौन सा दोस्तों? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, यहाँ मनोविज्ञान से लगा के मैं आगे लिख देता हूं शिक्षा मनोविज्ञान, ये मैंने शिक्षा लिख दिया। अब शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो दोस्तों आपका आंसर सभी नहीं होगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? मानव अध्ययन होगा, क्योंकि पशुओं को और पक्षियों को शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसीलिए अगर आपको ध्यान रखना है, सबसे जरूरी बात, समझने वाली बात यह है दोस्तों यहाँ पर, कि आपको अगर शिक्षा आ जाए, कहीं भी अगर शिक्षा से रिलेटेड शब्द आ जाता है और वहां पर मनोविज्ञान का अध्ययन करना रहता है, तो वो सिर्फ मानव के ऊपर होगा, बालक के ऊपर होगा, ना कि पशु पक्षियों पर। अब आप कहेंगे कि अधिगम में तो जितने भी हुए थे सब अध्ययन पक्षियों पर हुए थे, लेकिन वो व्यवहार के अध्ययन पर, अधिगम सीखने पर हुए थे, उनको प्रयोग किए गए थे। इसीलिए बार बार जब भी उनके दोष की बात आती है तो ये कहा गया था कि एक पशुओं पर पक्षियों पर अध्ययन करके बालकों पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये एक दोष था उनका। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन सिर्फ किसका करता है? मानव विज्ञान का, ना कि पशु मानव विज्ञान, पशु पशु विज्ञान का या पक्षी विज्ञान का। लेकिन ओनली मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है दोस्तों? तो वह आंसर आएगा मानव विज्ञान का भी करता है, पशु मनोविज्ञान का भी करता है, पक्षियों का भी करता है, यानी कि आंसर आएगा आपका सभी का करता है। ये बातें रही दोस्तों साइकोलॉजी की। इसके बाद दोस्तों सुनना आराम से, जैसे ही मनोविज्ञान ये सब चीजें होने के बाद व्यवहार के विज्ञान को अपना लिया गया। इसके बाद बताया था दोस्तों कि मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को जानने के बाद सामाजिक अध्ययन कर सकता है। हाँ कर सकता है, सामाजिक तौर पर बालक के पता लगा जा सकता है। अगर आप बालक को किसी समाज में रखोगे तो उसके व्यवहार को देखकर बताया जा सकता है कि बालक का समाज के प्रति कैसा नजरिया है या किस तरह के विचार ये रखता है। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि मनोविज्ञान अध्ययन करता है तो पशुओं का भी, मानव का ही नहीं बल्कि पशुओं का भी अध्ययन करता है। इसके बाद दोस्तों नैतिकता आती है बालक में, व्यवहार में, हाँ जरूर आती है, ये सब चीजें आती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर एक दो चीजें और बतानी है। कितने मिनट का बना? देखो दोस्तों,
मैंने अभी तक आपके जितने भी जनक हुए थे मनोविज्ञान के, वो सब बीच बीच में क्लास में लिख देते, अपन एक बार में एक ही लाइन में जनक लिख लेते ताकि एक ही बार में याद हो जाए आपको। यहाँ पर अपन बात करेंगे सिर्फ जनक की, कि मनोविज्ञान के जनक बहुत सारे जनक है, अलग अलग जनक है, तो अपन सिर्फ जनक की बात करते हैं। पहले बात करते हैं मनोविज्ञान का जनक। देखो इधर मैंने बताया मनोविज्ञान का जनक कौन है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे मनोविज्ञान का जनक कौन है। तो मनोविज्ञान का जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु। किसको माना गया है? अरस्तु को। लेकिन यहां पर नोट लगाएंगे दोस्तों अपन एक, यानी कि कोलसनी के अनुसार, कोलसनी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन है? कोलसनी के अनुसार कौन है दोस्तों? प्लेटो है। यह हुई दोस्तों अपनी ऑलमोस्ट मनोविज्ञान के जनक की बात। दूसरे अपन जनक की बात करते हैं दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान की जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये आएंगे दोस्तों सिगमंड फ्रायड। क्यों आएंगे दोस्तों? क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने जो चेतना के भाग के आधार मानकर मन और मस्तिष्क का अध्ययन किया था, तो इन्होंने 1900 में, कब की बात है दोस्तों? सन 1900 में एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत में दोस्तों इन्होंने ऐसी चीजें बताई थी, इसी के आधार पर मनोविश्लेषणात्मक को, सिगमंड फ्रायड को क्या बताया गया? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताया। 1900 से पहले का प्राचीन मनोविज्ञान है और 1900 से बाद का जो अभी मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं वो आधुनिक मनोविज्ञान है। अगर आपको दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान के जनक में विलियम वुंट को बताते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि विलियम वुंट मनोविज्ञान के जनक है। अब इसके बाद दोस्तों तीसरी आती है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के उपजनक। तो कौन आएंगे दोस्तों? विलियम वुंट आएंगे। कौन आएंगे दोस्तों? विलियम वुंट आएंगे। और विलियम बुंटी कौन है दोस्तों? ये भी कौन है दोस्तों? विलियम बुंट प्रायोगिक मनोविज्ञान के जनक। इसके बाद मैंने फोर्थ नंबर पे आपको बताया था, फोर्थ नंबर पे अमेरिका मनोविज्ञान के जनक, अमेरिका मनोविज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को दोस्तों अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक बताया, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान का सबसे ज्यादा प्रयोग अमेरिका में किया था। ये अमेरिका के निवासी थे और अमेरिका में सबसे ज्यादा जो प्रचलन हुआ था मनोविज्ञान का वो किसके माध्यम से हुआ था? विलियम जेम्स के माध्यम से। इन्होंने अपनी पुस्तक, पुस्तक का नाम जरूर लिख लेना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से दिया जाता। मैं एक साथ आपको सभी पुस्तकों के नाम भी जरूर लिखाऊंगा ताकि एक ही बार में याद हो जाए, लेकिन आप धीरे धीरे लिख लिए कह रहा, जब भी ऐसी पुस्तकों के नाम आते हैं आप लिख लीजिए करें। ये दोस्तों सब बात हुई अपने जनक की। यहाँ से दोस्तों अपन बात करते हैं, अब इसके बाद एक लाइन इसके बाद जो रह रही है वो है भारत के मनोविज्ञान के बारे में, यानी कि भारत में उत्पत्ति कैसे हुई थी वो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, परिभाषाओं में पूरी अपन एक क्लास लेंगे क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं आती है और एक एक परिभाषाओं को समझेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे याद रखनी है, ठीक है दोस्तों? अभी के लिए लाइक शेयर जरूर कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए, अगर अच्छी क्लास लगे तो शेयर जरूर कीजिए, अगर ठीक है दोस्तों। थैंक यू।